रतलाम से करीब 30 किलोमीटर दूर सात रुंडा रुणिजा मार्ग पर रुणिजा की ओर जा रही एक कार पुलिया से टकराकर नीचे जा गिरी और उसमें आग लग गई। इस दुर्घटना में कार में सवार मां बेटे की घटना स्थल पर ही मौत हो गई, जबकि पिता गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस के सूत्रों के अनुसार प्रत्यक्षदर्शियों से मिली जानकारी के अनुसार दामनो निवासी चंद्रशेखर अपनी पत्नी वर्षा और ढाई वर्षीय बेटे निहू के साथ जयपुर से दामनो लौट रहे थे। दोपहर करीब 2:30 बजे सातरुंडा से रुणिजा मार्ग पर अचानक उनकी कार पुलिया की दीवार से टकराकर पुलिया के नीचे जा गिरी और कार के गिरते ही कार में आग लग गई। इस हादसे में कार में सवार वर्षा और उसके मासूम बेटे की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। दुर्घटना देखकर आसपास के गांव वाले फौरन घटनास्थल पर पहुंचे और कार में सवार लोगों को बाहर निकाला। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस बल भी फौरन मौके पर पहुंचा। घायल चंद्रशेखर को तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया।